फिल्म द कश्मीर फाइल्स को कई राज्यों में टैक्स फ्री कर दिया गया है। वहीं बीजेपी ने दिल्ली में भी ये फ्री करने की मांग की है। इसको लेकर बीजेपी ने जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी की। इसी पर देखिए ये खास रिपोर्ट। तो आपको बता दें कि जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया गया और साथ ही जमकर नारेबाजी भी की गई। आपको बता दें कि कई सारे राज्यों में द कश्मीर फाइल्स को टैक्स फ्री किया गया है और उसके बाद अब ये मांग बीजेपी की तरफ से और भी राज्यों में की जा रही है। इसी पर ये रिपोर्ट देखिए। जो कश्मीर में कश्मीरी पंडितों के साथ जो हुआ है वो कभी भूलने नहीं देंगे। दिल्ली में टैक्स फ्री करो, टैक्स फ्री करो, टैक्स फ्री करो। लेकिन ये पहली फिल्म आई है जो 100 करोड़ लोगों को जगाने के लिए आई है। कश्मीरी पंडितों के पलायन पर बनी फिल्म द कश्मीर फाइल्स को कई राज्यों में टैक्स फ्री कर दिया है। अब दिल्ली में इस फिल्म को टैक्स फ्री करने की मांग हो रही है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता के नेतृत्व में बीजेपी नेताओं ने जंतर मंतर पर दिल्ली में फिल्म द कश्मीर फाइल्स को टैक्स फ्री करने को लेकर धरना दिया। बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर तंज कसा है। आदेश गुप्ता ने कहा कि वैसे तो सीएम अरविंद केजरीवाल को बहुत शौक है फिल्म रिव्यू देने का, पर द कश्मीर फाइल्स पे चुप्पी क्यों? क्या आप अलगाववादियों और आतंकवादियों के समर्थक हैं? क्या आप वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं? अगर ऐसा कुछ नहीं है तो द कश्मीर फाइल्स का समर्थन कर उसे दिल्ली में टैक्स फ्री घोषित कीजिए। कश्मीरी पंडितों को भी वहां अधिकार मिले हैं, पूरे देश को वहां अधिकार मिले हैं और कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बना है, संवैधानिक रूप से बना है। और ऐसे समय जब 32 साल पहले हुए नरसंहार की सच्चाई सामने आई है तो उस सच्चाई के दिल्ली के लोगों को भी उसको जानने का हक है। उत्तर प्रदेश हो, हरियाणा हो, राजस्थान हो, गुजरात हो, कर्नाटक हो, हर राज्य ने वहाँ पर कश्मीर फाइल फिल्म को टैक्स फ्री किया है ताकि 32 साल पहले जिनका जन्म भी नहीं हुआ था वो आज की युवा जनता, युवा लोग उसकी देख सके और सच्चाई जान सके कि किस तरह इस देश में, अपने ही देश में कश्मीरी पंडितों, कश्मीरी हिंदुओं का नरसंहार किया गया। बीजेपी नेताओं का कहना है कि कई राज्यों में फिल्म को टैक्स फ्री किया जा चुका है, इसीलिए दिल्ली सरकार भी फिल्म को टैक्स फ्री करे। मंच पर उपस्थित दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सर जी से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि किस तरह से एक फिल्म 35 साल बाद द कश्मीर फाइल्स, किस तरह से 32 साल बाद हिंदुओं के जेनेसाइड को उजागर करने के लिए एक फिल्म आई है। 5 अगस्त 2019 को धारा 370 समाप्त हुआ और आज देश में ये स्थिति है कि कश्मीर फाइल्स के माध्यम से हिंदुओं की आवाज को उठा रहे हैं, उसको टैक्स फ्री किया जाए। यह आपसे निवेदन है, आप दिल्ली की देश सुनिए, बाकी राज्यों ने भी टैक्स फ्री किया है, आप इसको टैक्स फ्री करेंगे तो कहीं हम अधिक से अधिक लोग देख पाएंगे और जो कश्मीर के हिंदू आज हिंदुस्तान में ही आज किस तरह से विस्थापित है उनको न्याय मिल पाएगा। द कश्मीर फाइल्स को दिल्ली में टैक्स फ्री किया जाए, इस मांग को लेकर दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी के नेतृत्व में धरना दिया जा रहा है और कल विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है। दिल्ली के उपराज्यपाल की उपस्थिति में भाजपा विधायक दल इस मुद्दे को जोर शोर से उठाएगा, वहाँ मुख्यमंत्री भी होंगे और उपराज्यपाल महोदय की उपस्थिति में इस मुद्दे को भाजपा विधायक दल के सभी विधायक उठाएंगे। बाकी राज्यों में क्या हो रहा है वो राज्य जाने, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल द कश्मीर फाइल्स को टैक्स फ्री करे। ये एक ऐसी पिक्चर है जिसको हर भारतीय को देखना चाहिए, हर नागरिक को देखना चाहिए और राज्य सरकारों का ये दायित्व है कि इस पर टैक्स फ्री किया जाए। ज़्यादातर सरकारों ने किया है, अरविंद केजरीवाल अपने आप को देशभक्त कहते हैं तो उनको इस मांग को बहुत जल्द पूरा करना चाहिए था। मैं आपके माध्यम से भी आग्रह करता हूँ कि इस मांग को जल्द से जल्द पूरा। डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री के निर्देशन में बनी फिल्म द कश्मीर फाइल्स रिलीज के बाद चर्चा का विषय बनी हुई है। फिल्म में दिखाया गया है कि कश्मीरी पंडितों को किस तरह से पलायन करना पड़ा था। इस फिल्म को लेकर कई तरह की राजनीति हो रही है, कई राज्यों ने इस फिल्म को टैक्स फ्री किया है। अब देखना होगा कि दिल्ली सरकार कब इस फिल्म को टैक्स फ्री करती है। संवाददाता अजय चौहान की रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। Let's free it all! Let's free it all!
आज द कश्मीर फाइल्स मूवी को लेकर के दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष आदर्श गुप्ता की अगुवाई में एक धरना प्रदर्शन किया गया केजरीवाल के खिलाफ। कहा गया कि दिल्ली सरकार इस मूवी को टैक्स फ्री करे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देख सकें और सच्चाई लोगों के सामने आ सके। दिल्ली से अजय चौहान, जनतंत्र टीवी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।